फीस के विरोध में गुरुवार को राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में वेब सीरीज के कलाकारों और निर्माताओं के खिलाफ कार्यवाही के लिए थाना कोतवाली में प्रार्थना पत्र दिया गया। कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हुए अंचल अर्जरिया ने बताया कि तांडव वेब सीरीज में सैफ अली खान, मोहम्मद जीशान अय्यब, अली अब्बास जफर एवं सीरीज लिखने वाले लेखक और अन्य कलाकारों के द्वारा प्रभु श्री राम एवं भगवान शिव को सोशल मीडिया की टीआरपी की बातें करते हुए हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया है एवं बेहुदा प्रतिक्रिया दी है। इस कृत्य से हिंदुस्तान की 110 करोड़ हिंदू जनता को जानबूझकर अपमानित किया गया है और यह हमारी हिंदू संस्कृति का अपमान है। अंजल अर्जरिया ने प्रशासन से वेब सीरीज के निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की है। वहीं क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि प्रार्थना पत्र की जांच के उपरांत कार्यवाही की जाएगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष विजय जैन, रवि खटीक, आदित्य तिवारी, किशोर तिवारी, रोहन शाक्य, हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के जिला अध्यक्ष छोटू कुशवाहा, विशाल जीत सत्या, अरुण कुशवाहा आदि लोग मौजूद रहे। जी, आज किस संबंध में आपने ज्ञापन सौंपा है? हमने शिकायती पत्र दिया है पुलिस को। जो तांडव वेब सीरीज बनाई गई है उसमें अब्बास अली डायरेक्टर, सैफ अली खान और अन्य कलाकारों के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं और प्रभु भोलेनाथ शंकर जी के बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की गई हैं। उस संबंध में आज हमने ज्ञापन दिया है और इसमें FIR दर्ज करने के लिए हमने कोतवाल महोदय को बोला है। तो ये FIR दर्ज होनी चाहिए क्योंकि इससे संपूर्ण देश के 110 करोड़ देवी देवताओं का अपमान, 110 करोड़ हिंदू समाज के लोगों का अपमान हुआ है और हमारे आराध्य देवों का अपमान हुआ है, तो सनातन संस्कृति का अपमान है। यही हमने मांग किया कि इस पर FIR दर्ज हो और FIR दर्ज नहीं होती है तो आगे जो रूपरेखा होगी आंदोलनात्मक वो हम बनाएंगे। तांडव वेब सीरीज की शिकायत हुई है कोतवाली में, किस प्रकार की कार्रवाई होगी, किनके खिलाफ सर शिकायत हुई है? ये थाना कोतवाली में तांडव फिल्म के जो वेब सीरीज है उसमें जो भी अभिनेता हैं उनके और उनके डायरेक्टर के विरुद्ध जो है उस संगठन के लोगों द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली में दिया गया है, उसमें अंकित आरोप। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर झांसी। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, BSc कृषि BA, BEd BCom, BSc बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। ऐसा स्वाद और कहां जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट जहां कम दाम में मिलता है 5-स्टार होटल वाला स्वाद, तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद। शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल AC रेस्ट हाउस, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। यार जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे हैं। अरे तुम भुइया कर रहे हो, तुम कान खोल के सुनो, कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, इतने पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओ की जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.